अकबर शेर आया है जिन्होंने दक्षिण भारत तेलंगाना में सनातन का झंडा लहराया है, ऐसे टाइगर टी राजा धाम पर आए हुए हैं। इसको जरा माइक को तेज करा, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। यह ऐसे सनातन योद्धा है जिन्होंने धर्म विरोधियों की थपली बार दी है। आज बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आए, आगे समाज सेवा में उतर रहे हैं। बोले गुरुजी आप आशीर्वाद दो। हमने कहा बालाजी तुम्हारे साथ हैं, सदियों तक तुम सनातन का काम करोगे। और एक बात बोले, भारत के लोगों कोई भी सनातन का काम करता हो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बुजदिल मत जाम बनना और बुजदिल बनकर के अपनी जिंदगी मत खराब कर लेना, अपनी बहन बेटियों को साक्षी जैसा हाल ना करवाना हो तो कृपा करके आओ सब सनातनी, ऐसे सनातनी हिंदुओं का साथ जरूर देना जो हमारे तुम्हारे लिए लड़ रहे हो। ये वही टाइगर टी राजा है जिनके बालक को मारने के लिए धर्म विरोधियों ने कोशिश की। आज उनका पूरा परिवार घर से नहीं निकल पाता, इतने ज्यादा धर्म विरोधी लगे हुए हैं इन्होंने। लेकिन दक्षिण भारत तेलंगाना में जो धर्म विरोधी कजवाए हिंद कहते थे वहां भगवाए हिंद बनवा दिया है। बोलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज दरबार में ये आए हैं, हमारी यही आशीर्वाद कि सनातनीय हिंदुओं ऐसे बब्बर शेर का साथ दो। देखो धन बल से नहीं काम चलना है, धन बल के साथ नहीं जाना, दो कौड़ी में मत जाना मेरे पागलो, जीना ही है तो सनातन के हिंदू के साथ जीना और उसके लिए ही काम करना। यश कीर्ति नाम पैसा आता जाता रहेगा लेकिन सनातन की रक्षा का मौका बार बार। क्या तुम चाहते हो कि भारत में रामचरितमानस को जलाई जाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बहन बेटियों का हाल साक्षी जैसे 35 टुकड़े हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे मंदिरों को बार बार, द्वारका जैसे मंदिर को बार बार तोड़ा जाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पूर्वज जिन राम की पूजा करते करते जीवन समाप्त कर लिया उन राम को तंबू में रखा जाए, वहां पर कुछ और बना दिया जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मंदिरों पर, तुम्हारे पवित्र तीर्थों पर धर्म विरोधी आकर के वहां पर गंदा भोजन और गंदा व्यभिचार करे? नहीं चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालत कश्मीरी पंडितों जैसी हो? नहीं चाहते हो? तो हमारी प्रार्थना ऐसे सनातनीय हिंदुओं का साथ देना चाहिए। और दरबार हम जाकर के अर्जी लगाएंगे, लेकिन उसके पहले दो मिनट हमारे टाइगर टी राजा आए। हम देखो सच बोले, आई लाइक यू माई डियर, हम बहुत प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से जो सनातन के लिए लड़ते हैं, और हमें हनुमान जी ने इसीलिए भेजा है और ये अब हमारा ही आज से हिस्सा है, और आज हमने धाम पर इनको भैया बना लिया है। हमने कहा अब जब तक तन में प्राण रहेंगे ये हमारे रहेंगे और हम इनके रहेंगे और हम इनके साथ दहाड़ते रहेंगे। दो मिनट कहो तो बुलवाए, मिलना है पक्का? अगर तेलंगाना में इन्हें जरूरत पड़ेगी तो चलोगे? झूठ ना बोलियो, नहीं तो हम न कटा हरा, झूठ बोलो, चलोगे? सनातन की जरूरत पड़ेगी तो पक्का? चलो तो बुलवा दे, ठीक है आओ मेरे प्यारे। आहा, जय श्री राम। हनुमान जी खूब जय जय सका जी। दो मिनट आप भी बोलो, हमने बोला है आप दो मिनट सबको जरूर बोलो। बोलो भागेश्वर धाम की, देवेंद्र शास्त्री गुरु जी की। आज बागेश्वर धाम आकर अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति समझ रहा हूं, क्योंकि हम वहां पर तेलंगाना में रहकर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते थे, और आज हमारे गुरुजी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की ज्योति जगा रहे हैं।
यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें खास करके नौजवान हम सब के सब लोग भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे संत मिले हैं और ऐसे संतों का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। मैं मेरे सभी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो युद्ध होगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए होगा और हिंदू राष्ट्र बनते हुए कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, क्योंकि ये साधुओं की वाणी है, हमारे संत की वाणी है। मैं गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ और आज गुरु जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहूंगा गुरु जी को कि जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाते रहूंगा और हिंदू राज जब तक नहीं बनता है जब तक मैं युद्ध करते रहूंगा। जय बागेश्वर धाम, जय धर्म शास्त्री, भारत माता की जय। जय सियाराम। दिल में अर्जी लग गई थी तुम लोगों की सामूहिक है, नहीं लगी? चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हमें पर्चा चढ़वाऊ ने, ओके 2000 बैठो भीतर आदमी गाली बकराओ। हाँ, आज बहुत देर हो गई ना, आज